भैया ऋषिकेश में लगा कम से कम 8-10 किलोमीटर का बहुत लंबा जाम। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चार आम यात्रा वाले ध्यान से सुन लें, ऋषिकेश वाले रोड को ना आए, दूसरा रोड को पकड़ लें, ऐसे रानीखेत वाला, ये है यहाँ का व्यू, जो को बहुत लंबा जाम है कम से कम 8-10 किलोमीटर का, जो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। भैया कम से कम 10 किलोमीटर को जाम है, जो ये जो आप बाजी मार गए, ये जो जाम देख रहे हैं आप, हम तो निकल आए बहुत मुश्किल से कम 5 किलोमीटर का साथियों ये जाम है जो आप देख रहे हैं भाई, परेशानी में एम्बुलेंस को भी निकलना बहुत मुश्किल पड़ गया है इस जाम में, जैसे हमने आपको दिखाया है। ये ऋषिकेश का वीडियो है, ऋषिकेश पुल का, ऋषिकेश से 10 किलोमीटर आगे पुल पड़ता है, वहाँ का ये वीडियो है। ये चमत्कार नहीं है, नमस्कार है, ये जाम अपने भाई, हम तो निकल आए बहुत मुश्किल के बाद, किसी भी कारण क्योंकि हमारी बाइक थी मोटरसाइकिल, तो उसको निकालने के लिए आए बीच बीच में, लेकिन भाई जाम अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत लंबा जाम है जो आप देख रहे हैं भाई, जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आप आगे लगा सकते हो कि आपको पूरा वीडियो दिखा रहा है, पर भाई अभी जाम खत्म नहीं हुआ ना हो, खत्म देखो ये जाम तुम्हें दिखाते दिखाते थकते जा रहे हैं हम, ये पता नहीं लग रहा है ये जाम कब तक समाप्त होगा, मगर तुम्हें दिखाना भी जरूरी है, पता कैसे चलेगा आप लोगों को कि जाम कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ। भाई जाम खत्म होने का नाम नहीं दे रहा है, अभी आपको दिखाते हैं आगे चल के, हम भी फंस गए हैं अभी, हमारी बाइक रुक गई, चल गई अब, जाम हो भाई, भाई ये जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या बताएं, ऊपर तक दिखाओ, देखो कहां तक ऊपर उठा के दिखा, देख रहे हो भाई, ये देखो भाई, पता नहीं कब तक ये काम समाप्त होगा, 1-2 दिन 2-4 दिन जो भी लग सकते हैं, कृपया करके आपसे अनुरोध है, चार धाम यात्रा करने वाले ध्यान सुन लें, जो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं वो कृपया करके इस रोड से ना आए, रानीखेत वाला रोड पकड़ लें, क्योंकि इस रोड पे आप फंस जाओगे 2-4 दिन के, वो एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, इस हिसाब से भाई आप जाम देख सकते हैं। देखो बहुत, देखो भाई ये बहुत, देखो है वो रास्ता जा रही है, जैसे जूम करके दिखा दे रहे हो, देखो जाम भाई, देखो लोग सड़कों पर उतर आए, भाई तुमको जाम समाप्त नहीं हुआ, कितना दूर तक है, कई किलोमीटर दूर है, जो रोड लोग जो है रोड सड़कों पे उतर आए, सड़कों पे क्या करें बेचारे, इतना गर्मी पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत भाई रोड पे, तो आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से,
भाई और अपने भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर करना, ताकि आना चाह रहे हैं अभी जल्दी में तो जाम में हो जाएगा भाई। रोड के पास दिखाओ, देखो भाई उस साइड की देखो, अभी जाम समाप्त नहीं हुआ। ये आलम है भाई, अब खिसक रही है धीरे धीरे गाड़ियों, पूरी गाड़ी हमने 7 किलोमीटर दौड़ा दी है लेकिन अभी जाम खत्म नहीं हुआ है। 7 किलोमीटर गाड़ी हमने दौड़ा दी, जाम अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये भैया तो देखो बीच रोड पर चल रहे हैं आज, यहाँ तक का जाम था। ये जो साथी हमने दिखाया वीडियो के माध्यम से, एक एक लाइन करके चलाई जा रही है अभी, क्योंकि रोड है सिंगल और जाम हो गया ज़्यादा, तो एक एक लाइन करके निकाली जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि जो लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं उन्हें सुबह भी हो सकती है या फिर 2-4 घंटे में भी निकल सकते हैं भाई। बाकी आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना भाई, यही सलाह दूंगा आपको। देखो आगे भी जाम है लगा हुआ, मैं तो सोच रहा था समाप्त हो गया, आगे भी जाम लगा हुआ। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जो भाई लोग बद्रीनाथ केदारनाथ ऋषिकेश होके ऋषिकेश वाले रोड को होके निकल के आ रहे हैं, तो भैया कृपया करके ना आए दूसरा रोड पकड़ लें, जैसे रानीखेत वाला रोड पकड़ सकते हैं या फिर अन्यथा दूसरा रोड पकड़ लें, क्योंकि इस रोड में आपको बहुत मुश्किलें उठाना पड़ेंगी। मुश्किलों के साथ साथ कहीं गाड़ी उठा के रखना ना पड़े। आपको लाइव वीडियो पूरा ओरिजिनल दिखा रहा है, कोई एडिटिंग नहीं है, रियल वीडियो है। आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे जाना है। ठीक है भाई, ये जाम समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, मैं मोबाइल को रखता हूँ अभी। बाकी आप देख ही सकते हैं बहुत दूर तक जाम है, तो मैं अब इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता और क्या बोलूँ, सब कुछ मैंने आपको लाइव दिखा दिया पूरा। बाकी आप बताना भाई ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप भी आना चाहते हो इस रोड से तो भाई ज़रूर बताना। तो भाई वीडियो को लास्ट करते हैं, लेकिन ये जाम तो समाप्त, जाम लास्ट नहीं हो रहा, वीडियो लास्ट कर देते हैं। ठीक है,